नदियों का देश कहा जाता है। उत्तर भारत की नदियां साल भर पानी से भरी रहती हैं। यहां मॉनसून भी हर साल बारिश कर जाता है, लेकिन फिर भी प्रचुर मात्रा में पानी भारत की समस्या बनता जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में नल से पानी की सप्लाई हो। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से जल शक्ति मंत्रालय को यही उम्मीद होगी कि उसके लिए धन कोई बाधा ना बने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पानी के नाम पर काम तो हुआ, लेकिन ये काम कई मंत्रालयों ने अपने अपने स्तर पर किया। नतीजा ये हुआ कि पानी को लेकर किसी ऐसी मुकम्मल योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका जिसके जरिए देश में सबको स्वच्छ पानी मिल सके। अब सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, इन सबको मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। इस मंत्रालय का लक्ष्य है कि हर घर में नल से स्वच्छ पीने लायक पानी पहुंचे। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक आज भी देश में 14 करोड़ घर ऐसे हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है। पिछले लगभग 40 साल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, 1950 साल के परिप्रेक्ष्य में 1950 में जितनी हमारे पास में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, वो घटकर क्या उससे एक तिहाई भी नहीं रह गया और तीन गुना से ज्यादा पॉपुलेशन जी। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक जहां सिक्किम जैसे राज्य में 99% घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में 5% घरों में भी ये सुविधा नहीं पहुंच पाई है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक सरकार के सामने हर घर को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के अलावा जल संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। देश के आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में यदि टोटल हैबिटेशंस को पानी की सप्लाई के उपलब्धता के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आंकड़ा लगभग आज की तारीख में 81% के आसपास है। क्या हम हैबिटेशन, हो सकता है ग्राउंड रियलिटी शायद उससे अलग हो, लेकिन जो आंकड़े प्रदेशों के द्वारा प्रदत्त आंकड़े जो है, एंड सिंस वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए प्राथमिक जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रदेशों की है। जानकार मानते हैं कि सरकार पानी के मामले में अब तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देती आई है, लेकिन अगर सरकार अपने आने वाले बजट के हिस्से में जल संरक्षण पर खर्च करे तभी सरकार अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।